तो अब आपका जो नेक्स्ट रिलीफ फैक्टर आता है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, कवरिंग अ लेंथ ऑफ अबाउट 2,400 किलोमीटर. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स का देखें तो वेस्ट फ्रॉम, मतलब कि अगर हम देखें तो जम्मू से एक्सटेंड करता है, जम्मू वेस्ट से टू द ईस्ट असम तक, तो कितना एरिया कवर करा है, 2,400 किलोमीटर. दिलाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, जस्ट नीचे है हिमालयस के, इसलिए हम कह रहे हैं कि साउथ ऑफ द हिमालयस. एंड ऑल्सो पॉपुलर नोन एज इंडो गैंगटिक प्लेस, क्योंकि यहाँ पर गंगा रिवर फ्लो करती है. दे आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड मेड फर्टाइल बाय द एलुवियल डिपॉजिट फॉर्ड बाय रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड अंडरसन ट्रिब्यूटरीज. ये बोला गया है कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं उनमें लार्ज डिपोजिशन होती हैं बहुत सारे फर्टाइल सॉइल की, जो कहाँ से ब्रॉड की जा रही है, जो तीन मेजर रिवर हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. जब ये हिमालय से नीचे की तरफ पड़ती है और जितनी भी ये फाइन लेयर ऑफ सॉइल लेके आती है वो सारी नीचे डिपॉजिट होती है. इसलिए कहा जाता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वेरी वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन वर्क डन बाय द फॉलोइंग रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, द गंगा प्लेन, द इंडस प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो ये तीन प्लेन्स हैं. सबसे पहले आता है आपका द गंगा प्लेन. द गंगा प्लेन कवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, बहुत लार्ज पार्ट कवर करता है, एक्सटेंड टू द मेनी स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ये सारे पार्ट्स के वो कवर करता है. दीज प्लेन्स आर मेड फर्टाइल बाय फ्लोइंग गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक यमुना, गोमती, कोसी, गंडक एंड घाघरा. ये जो एरिया है बहुत फर्टाइल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर फ्लो करती है और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज. दीज ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयस एंड टर्मिनेट इन द बे ऑफ बंगाल. जो आपकी गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट करती है गंगोत्री से और टर्मिनेट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में. द गंगा प्लेन हैज़ एलुवियल सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर विच हेल्प्स इन एग्रीकल्चर. ऐसे कहा जाता है कि जो गंगा प्लेन है वो उसमें एलुवियल सॉइल की डिपोजिशन है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन वर्क डन बाई द फॉलोइंग रिवर्स एंड मैनी क्रॉप्स लाइक सीरियल, like wheat, rice, sugarcane and maize are grown in Ganga Plains because the soil which is present in Ganga Plains are very very fertile. Second आपका आता है Indus Plain. तो ये Indus River इसको सारे nutrition provide कर रही होगी. So most of Indus Plain lies in Pakistan with the only part of the it's in India. The tributaries of river Indus, like अब Indus की tributaries का simple सा है JCBRV. देखो Indus की जो tributaries हैं वो Ravi Bias, Satluj, झेलम, चनाब, इसमें लिखा नहीं है कोई बात. ड्रेन दिस प्लेन, ड्रेन मतलब कि इस प्लेन को यहाँ से ही सारी रिवर्स इनकी ट्रिब्यूटीज फ्लो करती हैं जिसकी वजह से इनको इरिगेशन की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू दिस ट्रिब्यूटरीज. इन इंडिया इट लाइज द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पंजाब एंड हरियाणा. तो कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है? पंजाब एंड हरियाणा. और कहाँ पर लाई करता है? वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि अब जहाँ पर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स प्रेजेंट है उसके वेस्ट साइड में. नहीं समझ में आया? देखो ये आपके बड़े बड़े हिमालयस है ना. अब हम कलर चेंज करते हैं ग्रीन. उसके नीचे ये आपके क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स. तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो आपका यहाँ पर ये इंडस रिवर है, यहाँ से आपके गंगा रिवर, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये जो गंगा प्लेन, जो गंगा रिवर उसको ड्रेन करेंगी, तो हम ये कह सकते हैं ना वेस्ट ऑफ गंगा प्लेन. तो इसलिए इसको वेस्ट ऑफ गंगा प्लेन कहा गया है. नाउ रिवर ब्रह्मपुत्र, सॉरी ये हो चुका हमारा, ठीक है ना. द ब्रह्मपुत्र प्लेन, द प्लेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द असम प्लेन्स और द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू देम. अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, जहाँ पर आपके ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेन करती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स को. कौन कौन से स्टेट्स को ड्रेन कर रही है? असम को बेसिकली, और वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है. रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से करती है? तिब्बत से. वेट इज ऑल्सो नोन एज तसांगो सेंगपो. इट एंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है और असम में फ्लो करती है. एंड वेयर इट डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट करती है? अलवियल सॉइल टू फॉर्म अ फर्टाइल प्लेन बिफोर टर्मिनेटिंग इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में आने से पहले वो अपने आप का जितनी भी फर्टिलिटी है सॉइल है वो कहाँ पर डिपॉजिट कर देती है? असम. हेयर इट मीट्स रिवर गंगा एंड कंबाइंड स्ट्रीम बाइफर्केट्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ चैनल कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्मिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड सुंदरबन डेल्टास. देखो डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब क्या होता है कि जब एक रिवर डिफरेंट डिफरेंट सेवल रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, जैसे ये आपकी मेन कोर्स चैनल रिवर है और बीच में जैसे बहुत सारी डिपोजिशन हो जाती हैं सॉक्स की या फिर किसी भी, तो रिवर्स ना आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं.
और ये फर्दर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई रॉक वगैरह प्रेजेंट होंगे तो ये फर्दर दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये जो एक रिवर से बहुत सारे रिवर डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इसी सारी डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर जाकर ड्रेन होती है, एक डेल्टा फॉर्म करती है जहाँ पर मर्ज होती है सारी, और वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। रिवर गंगा इन ब्रह्मपुत्र फाइनली ड्रेन इन टू बे ऑफ बंगाल, और फाइनली वो कहाँ जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। द टू मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन आर राइस एंड टी। अब आपका नेक्स्ट आता है तो पेनिनसुला प्लेट्यू। देखो पेनिनसुला प्लेट्यू कैसे दिखता है, बेसिकली जब भी हम पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करते हैं तो वी ऑलवेज कॉल्ड इट एज टेबल लैंड। देखो ये इस टाइप से टेबल लैंड होते हैं ना कि, तो इनकी कोई ना तो इनकी कोई पॉइंटेड पीक होती है ना, और ना ही इनके पास इतनी हाइट में प्रेजेंट होते हैं ना। The south of the northern plains lies a triangular plateau called the peninsula plateau. South of the northern plains क्यों, क्योंकि northern plains हमने देखा था पहले हिमालयस थे, हिमालयस के जस्ट नीचे northern plains थे, और northern plains के अगर हम नीचे देखेंगे तो south direction बोलेंगे ना उसको, तो इसलिए south of the northern plains कहा गया है। और वहाँ पर क्या present है, peninsula plateau, क्योंकि वो जो peninsula नाम इसलिए लिखा गया है बिकॉज तीन direction से water body situated है। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क इन इंडिया, अगर हम कहें कि हमारी कंट्री के अंदर जो पेनिनसुला प्लेट्यूज हैं वो ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स है बिकॉज हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन बाद में हुई थी, उससे पहले आपकी प्लेट्यूज की फॉर्मेशन हो चुकी थी। मेजर पोर्शन ऑफ इट लाइज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, अगर हम बात करें पेनिनसुला प्लेट्यूज का तो उसका मेजर पोर्शन कहाँ लाइन करता है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। द प्लेट्यू इज सराउंडेड बाई हिल रेंजेस ऑन ऑल द साइड, जो प्लेट्यूज के बिल्कुल साइड में हिल रेंजेस है प्रेजेंट, और वो पीक पॉइंटेड पीक्स में प्रेजेंट नहीं है, दे आर लाइक टेबल लैंड्स। टू द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू लाइज द अरावली विंध्या सतपुरा एंड राजमहल हिल्स, तो ये डिफरेंट टाइप की हिल्स प्रेजेंट है अगर हम देखें नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू में ऊपर की तरफ नॉट नीचे की तरफ। ओके तो ये अरावली तो आपके राजस्थान में आ गए, और ये विंध्या और सतपुरा रेंज आपके एमपी की साइड आ गया, और राजमहल बिल्कुल ईस्ट। नाउ टू द वेस्ट आर द वेस्टर्न घाट्स एंड टू ईस्ट आर द ईस्टर्न घाट्स, ये कैसे हैं, देखो ये आपकी कंट्री का सदर्न मोस्ट पार्ट है ना। तो अभी तक हमने बात की थी नॉर्थ में कौन कौन से हिल्स प्रेजेंट है, तो ये जो वेस्ट में है ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है और ईस्ट में क्या प्रेजेंट है, ईस्टर्न घाट्स, दैट्स इट। नाउ द सर्फेस ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज अन ईवन एंड इज फॉर्म बाई इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, द हिल्स आर लो विद राउंडेड टॉप्स, ये आपको बताया था कि राउंडेड टॉप्स होते हैं, मतलब कि उनकी जो टॉप होते हैं वो लो होती है विद राउंडेड टॉप्स, इतनी पॉइंटेड पीक प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो कैसे बने होते हैं, दे आर फॉर्म बाय अन ईवन एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखो इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, वो रॉक्स होते हैं जो कि बेसिकली लावा से बने होते हैं, लावा जब बाहर आके कूल डाउन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बसाल्ट, वही लावा जब अंदर ही कूल डाउन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। मेटामॉर्फिक रॉक जब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अपना फॉर्म चेंज करते हैं उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, मॉर्फ मतलब चेंज होना। द प्लेटू रीजन इज रिच इन मिनरल्स एंड माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर, जो प्लेटू रीजन है बेसिकली किस लिए रिच है, वो मिनरल एंड माइनिंग पर्पज के लिए, और यहाँ पर यही यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, चंबल, बेटवा एंड सन फ्लो थ्रू इट, दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू। अब पेनिनसुला प्लेट्यू आपके दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, द मालवा प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू। देखो ये बता दो कि कैसे डिवीजन है, ये आपकी कंट्री का लोअर मोस्ट पार्ट है, सदर्न पार्ट जिसको हम पेनिनसुला पोर्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल साइड से एक नर्मदा रिवर है, कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर। ओके अब नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में प्रेजेंट है प्लेट्यू उसको हम क्या बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू, और इसी नर्मदा रिवर के जो साउथ में प्लेट्यू प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्कन प्लेट्यू। ओके तो अब ये मालवा प्लेट्यू पता चल गया कहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में क्या प्रेजेंट है, अरावली हिल्स है, और विंध्यास कहाँ प्रेजेंट है, साउथ में। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यूज इज नोन, अगर हम ईस्टवर्ड आगे और बढ़े तो क्या क्या नाम है, बुंदेलखंड, एंड द साउथ सदर्न एक्सटेंशन इज नोन एज बघेलखंड। अगर हम ईस्ट में देखें, ईस्टर्न में देखें तो बुंदेलखंड, और उसके आगे और बढ़ जाए, आगे और एक्सटेंड करके देखेंगे तो क्या होगा, बघेलखंड। ये सब चीज़ें आपकी नाइन्थ क्लास में दोबारा से रिपीटेड हैं, तो अगर आप अभी इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपको आगे और प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन साउथ बिहार इट इज़ कॉल्ड एज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगर हम बिहार में देखें तो एक प्लेट्यू प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेयर वास्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑर्स एंड कोल्स आर फाउंड। सम इंपॉर्टेंट रिवर्स, जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है मालवा प्लेट्यू में, चंबल, बेटवा, केन एंड सन।
तो ये आपका हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में. देखो, डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द विंध्यास इन द नॉर्थ टू द नीलगिरी हिल्स. अब ये कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, विंध्यास नॉर्थ से टू द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ एंड इज बाउंडेड बाय द ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स. अब नीचे वाला पोर्शन है कंट्री का तो ऑब्वियसली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से बाउंडेड है. अब कौन कौन से हिल्स यहाँ प्रेजेंट है, अन्नामलाई कार्डोमन हिल्स आर प्रेजेंट. उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 2695 इन केरला. इट इज़ हाइएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. रिवर्स कौन कौन से फ्लो करती है, नर्मदा तावी फ्लो वेस्टवर्ड्स थ्रू द वेस्टर्न घाट्स इनटू द अरेबियन सी. नाउ द रिवर्स महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी फ्लो ईस्टवर्ड्स थ्रू द ईस्टर्न घाट्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो ये डायरेक्शन बता रखिए कि ईस्टवर्ड्स में कौन फ्लो करी है, वेस्टवर्ड्स में कौन सी रिवर फ्लो करती है. दीज रिवर्स आर सीजनल एंड शॉर्ट फ्लोइंग हैंड्स आर नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन. तो ये रिवर्स हैं ये सीजनल है, ये आगे कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि दीज आर नॉट पेरिनियल लेवल लाइक हिमालयन रिवर्स. जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो साल भर बहती हैं, पर ये वाली जो मॉनसून रिवर्स हैं जब भी सीजनल होती हैं, जब भी बारिश होती है तभी रिवर्स का फ्लो ज़्यादा होता है. अब डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. अब वेस्टर्न घाट्स में देखें वो ज़्यादा हाइट में होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ये कम हाइट में होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं. फ्लोइंग रिवर्स सच एस नर्मदा तापी है फ्लो इन दिस एरिया. कौन कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट्स में फ्लो करती है, गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी. सिंस रिवर हैव अ शॉर्ट एंड स्टीप फ्लो दे आर आइडल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. सिंस द रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज दे आर बेटर फॉर सुटेड फॉर नेविगेशन. यहाँ पर नेविगेशन का काम अच्छे से कर सकते हैं. नाउ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू कवरिंग पार्ट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश इज नोन एज डेक्कन ट्रैप. इट इज़ मेड अप ऑफ शीट ऑफ लावा. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लावा कैसे, जब लावा बाहर आके कूल डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बसाल्ट. उसी बसाल्ट में आपका डेक्कन ट्रैप है. क्लियर स्टूडेंट्स. अब आपका नेक्स्ट आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. डेजर्ट ये आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. अब देखो डायरेक्शंस याद रखना कि नॉर्थ वेस्टर्न की अगर हम देखें, अब इसको भी डायग्राम से बना के देखते हैं. ये आपकी कंट्री का अपर मोस्ट पोर्शन है ना, तो इसमें भी आपका नॉर्थ और ये वेस्ट में जो आपका डेजर्ट प्रेजेंट है ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन ली गई है. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट इन राजस्थान. इसका बहुत सारा पार्ट लाई करता है पाकिस्तान में भी. इट इज़ वेरी ये जो डेजर्ट है काफ़ी ड्राई है, रॉकी है, सैंडी लैंड है और बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है. यहाँ पर वेदर कंडीशन काफ़ी हॉट है. अगर हम बात करें कि जो डेजर्ट है वो उनमें काफ़ी कम रेनफॉल होती है, ठीक है. अब यहाँ पर टू हेल्प द पीपल टू सर्वाइव हियर द इंदिरा गांधी कैनल वॉज कंस्ट्रक्टेड. तो यहाँ के लोग रह सके तो इसलिए यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया था. द कैनल कैरीज वाटर हेयर फ्रॉम रिवर सतलुज. रिवर कहाँ से, जो यहाँ से वाटर कैनल है वो कहाँ से रिवर लेके आती है, फ्रॉम द रिवर सतलुज. वाटर कहाँ से लेके आती है बेसिकली, इट रन्स टू द थ्रू दिस डेजर्ट एंड हैज ब्रॉट रिलीफ टू द लोकल पीपल. वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया इस कैनल के थ्रू, जहाँ से वो सतलुज रिवर से पानी इनके पास आ रहा है. और जो एकमात्र रिवर इस रीजन में प्रेजेंट है द लूनी इज द ओनली रिवर हेयर एंड द सांबर इज अ सॉल्ट वाटर लेक इन दिस रीजन. एक लेक सांबर लेक प्रेजेंट है जो सॉल्टी लेक है जिससे हमें ना नमक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर को वेपोरेट करके. और रिवर कौन से प्रेजेंट है, लूनी रिवर. अब आपका नेक्स्ट आते हैं कोस्टल प्लेन्स. देखो कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो बेसिकली कोस्टल एरियाज के पास सिचुएटेड होते हैं. इसको भी समझाते हैं कहाँ प्रेजेंट है. देखो ये आपका है इंडिया का नीचे वाला पोर्शन, ये कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट है, यहाँ पे सब वाटर वाटर प्रेजेंट है ना. तो ये जो आपकी कोस्ट लाइन बॉर्डर्स हैं इनको, जो यहाँ पर प्लेन्स प्रेजेंट है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन्स. तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के मतलब कि दिया सैंडविच. जो आपके कोस्टल प्लेन्स होते हैं बेसिकली वो दो होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और आपका यहाँ पर अरेबियन सी. और यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल. सो दे आर बेसिकली सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द सीज और ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. द कोस्टल प्लेन लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द पेंसिल प्लेट्यू अलॉन्ग द वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट. अभी आपको बात बताया था. अब ये कितना एक्सटेंड करते हैं, 6100 किलोमीटर फ्रॉम द रन ऑफ कस्ट इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. पोस्ट कोस्टल प्लेन्स मीट द कैप ऑफ केप कोमोरिन एंड द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड. मतलब कि जो हमारे साउथ की मेन टिप है वहाँ तक वो रीच करते हैं फ्रॉम द कच रन ऑफ कच ऑफ गुजरात. तो आपकी कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की एक फोटो दी हुई है, बहुत सुंदर है. अब हम देखते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिविजन्स आगे पढ़ेंगे. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन गुजरात आर नोन एज कोंकण कोस्ट. जो नॉर्दर्न पार्ट में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स प्रेजेंट है उसको हम कोंकण कोस्ट बोलेंगे. और जो सदर्न पार्ट में जो प्रेजेंट है केरला के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, मालाबार कोस्ट. द कोस्ट लाइन इन मालाबार कोस्ट इज ब्रोकन एंड intended forming lagoons and natural harbors. The two most important rivers flowing the western coast are Narmada and Tapi.
अब आपका था नेक्स्ट द ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आप ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मतलब कि ज़्यादा बड़े हैं चौड़े हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकार्स एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. सम इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द नेम आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स आर फ्रॉम फर्टाइल डेल्टास. अब इसके बाद आइलैंड्स, आइलैंड्स आपको पता है कौन से हैं. वी हैव टू मेजर आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल में. लक्षद्वीप आइलैंड्स आपका कहाँ प्रेजेंट है, अरेबियन सी में, और वो आपकी यूनियन टेरेटरीज भी हैं. ओके सो अब हम देखें कितने दे अबाउट 550 नंबर फॉर्मिंग अ ग्रुप. जो आपकी अंडमान निकोबार है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, 550 नंबर ऊपर एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. और एकमात्र एक एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट है वहाँ पर, और कॉल द बैरन आइलैंड सिचुएटेड है. उस आइलैंड को क्या बोलते हैं, बैरन आइलैंड. और जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल रीफ से बना हुआ है. बेसिकली देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो बहुत हार्ड कवरिंग होते हैं, और उसी कोरल रीफ से आपका ये पूरा लक्षद्वीप आइलैंड बना हुआ है. वहाँ पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, मोस्ट ऑफ वहाँ पर बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग वहाँ पर रहते हैं, है ना. द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड विच लाई इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. आप कहते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड के लाई करते हैं इन द अरेबियन सी और साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. मतलब क्या है इसका, कि हम इसकी लोकेशन बता रहे हैं. देखो जैसे आपका, ध्यान से सुनना, ये आपकी कंट्री का सदर्न मोस्ट पार्ट है. यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, अरेबियन सी, ए लिख रही हूँ सिर्फ मैं, ठीक है. और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पर आपके लक्षद्वीप आइलैंड प्रेजेंट है जो कोरल रीफ से बने हुए हैं. अब ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है. और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड प्रेजेंट है जो कितने, 550 नंबर ऑफ छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बने हुए, है ना. अब तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्टर्न, है ना, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ डायरेक्शन में है ये. जो आपका ये अंडमान निकोबार आइलैंड से और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, ये बता गया इसके अंदर. और कितने, और जो इसका एक मेन जो मिनिकॉय है विद एन एरिया ऑफ 5 स्क्वायर किलोमीटर इज द लार्जेस्ट आइलैंड प्रेजेंट है. लक्षद्वीप में मिनिकॉय एक लार्जेस्ट एरिया आइलैंड प्रेजेंट है, उसी के अंदर जो 5 स्क्वायर किलोमीटर है प्रेजेंट है. वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, ट्राइब्स रहते हैं, और बेसिकली अन इनहैबिटेड है. वहाँ पर ज़्यादा लोग पॉपुलेशन प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट की कवरिंग है, फ्लोरा एंड फौना रिच एरिया है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. आई होप आपको ये सब सारा सब समझ में आ गया हो. एक बार रिकॉल करते हैं, ये जो मैं आपको मैप से बताती हूँ. यस, तो सबसे आपका स्टार्टिंग में देखो तो क्या आता है, ये आपके यहाँ पर हिमालयस है ना, पूरी हिमालयस की कवरिंग है नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक. और जो ईस्ट में आपके हिमालयस है ये सारी आपके ईस्टर्न हिमालयस है. उसके नीचे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स प्रेजेंट है. फिर यहाँ पर आपका बीच में क्या है, प्लेट्यूस पोर्शन प्रेजेंट है. फिर यहाँ पर आपके कोस्टल प्लेन्स प्रेजेंट है. ये आपका इंडियन थार डेजर्ट है. सो दिस आर ऑल द रिलीफ फीचर्स विच इज़ प्रेजेंट इन अवर कंट्री, एंड हैंस वी कैन से अवर कंट्री इज़ वेरी डाइवर्स कंट्री. थैंक यू.